डोरेमोन और शिनचैन ये दोनों इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एनिमे हैं, जिन्हें ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा ही पसंद किया जाता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी डोरेमोन और शिनचैन ना देखा हो या फिर इसका कभी नाम ना सुना हो, क्योंकि ये दोनों ऐसे एनिमे हैं जिनका अगर हम एक एपिसोड भी पूरा देख लेते हैं तो इसके बाकी के एपिसोड ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही रहेगा कि डोरेमोन और शिनचैन में कौन सा एनिमे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि डोरेमोन और शिनचैन के ऐसे कई सारे फैंस हैं जो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो पूरी कंपैरिजन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम डोरेमोन और शिनचैन को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एनिमे ज़्यादा अच्छा है। सो डेफिनेटली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए आज की ये कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। तो डोरेमोन हमें पहली बार 1969 में देखने को मिलता है, वो भी मांगा के रूप में। फिर 1973 में डोरेमोन को एनिमेशन के रूप में टेलीकास्ट किया जाता है और फिर धीरे धीरे करके डोरेमोन फेमस होना चालू होता है। अब अगर हम बात करें शिनचैन की, तो शिनचैन को पहली बार 1992 में लाया गया था, वो भी एनिमेशन के रूप में, और वहीं से शिनचैन काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब गाइस अगर देखा जाए तो शिनचैन ने डोरेमोन के मुकाबले काफी कम समय में पॉपुलैरिटी हासिल की है, क्योंकि डोरेमोन शिनचैन से ऑलमोस्ट 20 साल पहले आई थी, इसीलिए डोरेमोन को ज्यादा टाइम मिला पॉपुलैरिटी हासिल करने में, इसीलिए ये वाला पॉइंट जाएगा शिनचैन को। तो शिनचैन के पास एक पॉइंट आ चुका है और डोरेमोन के पास अभी तक नहीं आया है। अब देखते हैं अगला राउंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एपिसोड्स की, तो डोरेमोन के अब तक 1700 से भी ज्यादा एपिसोड निकाले जा चुके हैं और 40 से ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें शिनचैन की, तो शिनचैन के अब तक 1000 से ज्यादा एपिसोड निकाले जा चुके हैं और उसके अब तक 25 से ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं। इसका मतलब ये वाला राउंड काफी इजीली डोरेमोन जीत लेगा, क्योंकि डोरेमोन के एपिसोड और मूवीज शिनचैन के मूवीज और एपिसोड के मुकाबले काफी ज्यादा निकाले जा चुके हैं, इसीलिए ये वाला पॉइंट जाएगा डोरेमोन को। तो दोनों एनिमे ने एक एक पॉइंट स्कोर कर लिया है और अभी के लिए इनकी मैच टाई पे है। तो अब बढ़ते हैं अगले राउंड पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से एनिमे ने अब तक ज्यादा कमाया है। तो शुरुआत करते हैं डोरेमोन से। तो डोरेमोन ने अब तक 7.5 बिलियन डॉलर कमाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और वहीं पर अगर हम बात करें शिनचैन की, तो शिनचैन ने अब तक 1.5 बिलियन डॉलर से 2 बिलियन डॉलर के बीच में कमाया है, जो कि उतना भी ज्यादा नहीं है डोरेमोन के मुकाबले। इन दोनों एनिमे के बीच में पैसों का बहुत ज्यादा अंतर है, इसीलिए ये वाला राउंड काफी इजीली जीत लेगा डोरेमोन। तो यहाँ पर डोरेमोन के पास अब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं और शिनचैन के पास 1। तो फिलहाल के लिए तो डोरेमोन 1 पॉइंट से लीड कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले राउंड पे। अब देखते हैं कि इन दोनों एनिमे में हमें क्या चीज दिखाया जाता है। डोरेमोन में हमें ड्रीम वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे यूनिक और ऑसम गैजेट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। और वहीं पर शिनचैन में हमें कॉमेडी प्लस शिनचैन की शरारतें देखने को मिलती है, जिसे देख के हमारे मुंह पे स्माइल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस राउंड में भी मैं इन दोनों एनिमे को एक एक पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि डोरेमोन और शिनचैन दोनों की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे देखकर बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे। भले ही वो एक एपिसोड को बार बार क्यों ना देख ले, उन्हें मजा उतना ही आएगा जितना उन्हें पहली बार देखने में आया था, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा यूनिक है इसीलिए। तो अब डोरेमोन के पास 3 पॉइंट आ चुके हैं और वहीं पर शिनचैन के पास 2 पॉइंट, यानी कि अभी भी डोरेमोन 1 पॉइंट से लीड कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड पे। तो इस राउंड में हम बात करेंगे कि आखिर हमें डोरेमोन और शिनचैन से क्या चीज सीखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं डोरेमोन की। डोरेमोन से हमें रियल फ्रेंडशिप क्या चीज होती है ये सीखने को मिलती है। नाम के तो कई सारे सच्चे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है जो हर मुश्किल में आपकी मदद करता है, बस आपको पता नहीं रहता। और डोरेमोन ने ये चीज प्रूव कर दी है कि दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। अब बात करते हैं शिनचैन की। तो गाइस शिनचैन से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और लोगों को भी हंसाते रहना चाहिए। एकदम बिंदास होकर अपनी जिंदगी जीना चाहिए, बिल्कुल शिनचैन की तरह। तो गाइस अगर देखा जाए तो दोनों ही एनिमे से हमें काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, इसीलिए मैं इन दोनों एनिमे को एक और एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट राउंड की तरफ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन से एनिमे के टीआरपी सबसे ज्यादा है इंडिया में। अब इस राउंड में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि डोरेमोन की टीआरपी इंडिया में सबसे ज्यादा है। कोई भी एनिमे डोरेमोन की बराबरी नहीं कर सकता। डोरेमोन को 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में देखते हैं, इसीलिए डोरेमोन की टीआरपी सबसे ज्यादा है। तो शिनचैन के पास टोटल 3 पॉइंट है और डोरेमोन के पास 5 पॉइंट। तो इस मैच का विनर है डोरेमोन, विनर चाहे कोई भी हो। मुझे तो इन दोनों एनिमे को देखना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे आप लोगों को इन दोनों एनिमे में से कौन सा एनिमे ज्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अब सभी से अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।